दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी। इसके अलावा शराब की कोई नई दुकान भी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं खुलेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को इन नए बदलावों का ऐलान किया। नई नीति में प्रमुख बदलाव शराब पीने वालों की उम्र को लेकर किया गया है। पहले दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल थी, इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति के बारे में बताते हुए कहा कि सरकारी शराब की दुकानें अब बंद होंगी, निविदा के जरिए निजी लोगों को शराब की दुकानें दी जाएंगी। शराब की दुकान के लिए 500 वर्ग मीटर की जगह होना अनिवार्य होगा। सरकार को नई नीति से 2000 करोड़ सालाना राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में 850 शराब की दुकानें हैं। अब नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी, पुरानी दुकानों का ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक किया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा, लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में सरकारी शराब की एक भी दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी। दरअसल दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत ठेकेदारों पर सख्ती करने के मूड में है। कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिनका कई ठेकों पर सालों से कब्जा है। कुछ ठेकेदार तो मोटे मुनाफे के लिए अपने छोटे मोटे ब्रांड बनाकर भी लोगों को जबरदस्ती ये शराब बेचते हैं। दिल्ली में आबकारी नीति में परिवर्तन के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी। दो और मंत्री कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन इस कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली में घटिया शराब की बिक्री और खपत रोकने के लिए कई तरह के सुझाव दिए हैं। दिल्ली सरकार अपनी 2009 में बनी आबकारी नीति में बड़े बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी में खासतौर पर राजधानी के शराब माफिया पर लगाम कसने की तैयारी है। शराब माफिया को नीचे लेके आएगी, शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा कसेगी और अपराधियों के और शराब के बेचने वालों के बीच जो गठजोड़ बन जाता है उसको तोड़ेगी। उस तरह की एक पॉलिसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड की, जिसको आज सरकार ने मंजूर किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।